हेलो फ्रेंड्स, कौशल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के कॉलेज और सामने से हमारी मेट्रो भी आ गई है। हमें येलो लाइन से समयपुर बातें पर उतरना है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो हम पहुँच चुके हैं DTU के कैंपस में। यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। सामने जो बैरिकेटर्स देख रहे हैं, DTU ने ये जगह जगह लगाए हुए हैं और ये इनर सर्कल में आपको जो सुंदर सा एक फाउंटेन नज़र आ रहा है, कितने सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये बैरिकेटर स्पीड लिमिट करने के लिए लगाए हुए हैं और कितनी ग्रीनरी है, कितनी ग्रीनरी। और देखिए कितना फ्रेश समोसे, ब्रेड पकौड़े और सैंडविचेस हैं यहाँ पे। यहाँ पर पहले टोकन लेना होता है और उसके बाद ही आप सामने से काउंटर से अपना ऑर्डर ले सकते हैं। प्राइस लिस्ट की बात करूँ तो कॉलेज ने इतने लो प्राइसेस रखे हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर वेज थाली से लेकर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ सब कुछ मिलता है और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में, बिल्कुल फ्रेश। इवेंट के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं कॉलेज में। और हम जा रहे हैं OET में। ये कैंपस का सबसे बेस्ट प्लेस है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर बच्चे लेक्चर के बाद आते हैं चिटचैट करने। वाओ, कैंपस में तिरंगे को देखकर तो मन खुश हो गया मेरा, कितना प्यारा लग रहा है लहराता हुआ। वाओ, और अब हम आ चुके हैं OET में। बहुत चहल पहल है यहाँ पे भी। कैंपस तो वैसे बच्चों से ही अच्छा लगता है। धूप में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये HPMC है। यहाँ पर लेमन वाटर, फ्रूट जूस और शेक्स वगैरह मिलते हैं। और अब हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। और ये रास्ते में नेस्कैफे का कैफेटेरिया नज़र आ रहा है। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी कॉफ़ी या टी को एंजॉय कर रहे हैं। और ये DTU की लाइब्रेरी, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन ये बाहर से ही हमने इसका शूट किया है। कितने ग्रीनरी देखिए, कितना बड़ा है। और अब हम पहुंच चुके हैं DTU के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। देखिए कितना बड़ा, कितना बड़ा, जस्ट लाइक स्टेडियम ही लग रहा है मेरे को तो। यहाँ पर ट्रैक्स भी बने हुए हैं। सामने जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं, वहाँ पे इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस। और ये जो सामने सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप बैठ के मैचेस वगैरह देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि DTU ने अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। ये मिक मैक कैंटीन है, जहाँ से मैंने भी कॉफ़ी ऑर्डर की है। बड़े बड़े बरगद के पेड़ और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे भी। मंकीज तो बहुत ज़्यादा है DTU में। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी चलना पड़ता है अंदर। देखिए कितनी ग्रीनरी है हर तरफ, साफ सुथरी रोड्स। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, इतनी ग्रीनरी। जो स्टूडेंट्स अपने व्हीकल से आते हैं, DTU उनको पार्किंग भी प्रोवाइड करता है।
और अब हम जा रहे हैं घर वापस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। टिल देन गुड बाय।